जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट और रोचक सब्जेक्ट लेकर आया हूं, वह है राहु और चंद्र की युति हो तो ऐसे में क्या रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छे या बुरे और उनके उपाय सहित। यदि बुरे आते हैं तो उसमें हमें क्या उपाय करना चाहिए, इससे राहु और चंद्रमा की दूषित प्रभाव से हम बच सकें और उसकी शुभता प्राप्त कर सकें। इसलिए आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलेगी उपाय से। अब अधिक विलंब करते हुए आज का मुख्य विषय है वो राहु और चंद्रमा की युति के क्या परिणाम मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। हम सारी कुंडली का यानी कि कुंडली के जितने लग्न से लेकर 12 भाव तक हम इस पर चर्चा करेंगे अलग अलग विस्तार से। सर्वप्रथम हम राहु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में चंद्रमा की। राहु जो है, यदि 9 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं तो शनि के बाद में राहु का स्थान आता है। वैसे हम 9 ग्रह मानते हैं, उसमें से 7 ग्रह मैन है और 2 ग्रह वो छाया रूपी है। राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं और इनको पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो शनि के बाद में यदि चर्चा की जाती है तो राहु की जाती है। और इधर चंद्रमा है, ये सूर्य जो आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आपके फैमिली का मुखिया का कारक है। तो ऐसे में सूर्य के बाद में चंद्रमा की गणना की जाती है। तो इधर से देखा जाए सूर्य से तो दूसरे स्थान पर चंद्रमा आता है, और इधर उल्टा रिवर्स में किया जाए तो 9 ग्रह है, 9 से उल्टा किया जाए तो 8वें स्थान पर राहु आता है। तो देखिए चमत्कार, दोनों तरफ से दूसरा। आप शुरू से करें गिनती तो दूसरा चंद्रमा, और उल्टा रिवर्स से करेंगे तो 9 से बाद में 8वां यानी दूसरा। तो इन दो ग्रहों की युति चंद्रमा और राहु की डिग्री वाइज अंश वाइज यदि जितने नजदीक होंगे उतना ही राहु और चंद्रमा आपके जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम देंगे, और डिग्री वाइज यदि दूरी बना लेंगे, राहु और चंद्रमा की दूरी ज़्यादा होगी तो ऐसे में इसके दुष्परिणाम और शुभ परिणाम में थोड़ा अंतर आ सकता है। तो वो कब आएगा वो बात का विषय है। आज हम मेन जो चर्चा करते हैं वह है राहु। राहु हमेशा अचानक देने वाला माना गया है। अकस्मात जो भी देगा शुभ या शुभ अचानक देगा, और इसका काम है वायरल फैलाना, ज़्यादा फैलाना। तो इसका काम है फैलाना, ज़्यादा बड़ा करना, विस्तार से देना। तो राहु का कार्य विस्तृत करना, और चंद्रमा का जो है वो मन का कारण है, आपके मन मस्तिष्क का कारण है। ये आपके मन को प्रभावित करने का चंद्रमा है। तो चंद्रमा के साथ जब राहु अत्यंत नजदीक आ जाएगा तो ऐसे में राहु का काम है उसके मन के विचारों को फैलाना, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो ऐसे में जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान पर यदि चंद्रमा और राहु की युति अत्यंत क्लोज रिलेशन यानी कि अंशवाज बहुत नजदीक हो तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति राहु के दुष्प्रभाव में आने के कारण चंद्रमा और राहु, एक बता देता हूँ, इनकी युति से वैसे हजारों योग बनते हैं और हजारों विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आज का जो मुख्य विषय है कि राहु और चंद्रमा की युति से एक योग बनता है जिसको जनसाधारण में हम चंद्र ग्रहण दोष की संज्ञा देते हैं। तो चंद्र ग्रहण दोष के बारे में ही आज आपसे इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। तो ये चंद्र ग्रहण दोष यदि लग्न की प्रथम स्थान पर यानी कि आपके लग्न भाव क्या है, आपका संपूर्ण शरीर मस्तिष्क का जो आता है हिस्सा वो आपके लग्न भाव में आता है। तो ऐसे में राहु और चंद्र यानी कि चंद्र ग्रहण दोष के कारण आपके मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, आपके मन में अज्ञात भय बना रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस पर गहनता से डीपली
गलत निर्णय में चले जाएंगे। ये क्या है, चंद्रमा और जब राहु नदिक क्लोरेशन में पास में होंगे तो ऐसे में राहु का काम फैलाना और चंद्रमा का मन का कारक माना है, तो इसका ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और यहाँ तक कि अब अवसाद की स्थिति में व्यक्ति आ सकता है। या फिर यूं कहें कि यदि चंद्रमा और राहु की लग्न पर युति है, चाहे इसका प्रभाव नहीं आए लेकिन वो हमारी नज़रों में ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल पागल टाइप व्यक्ति है। जो व्यक्ति पागल टाइप नजर आते हैं, उदास से बैठे रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इनके चंद्रमा और राहु की युति यानी कि लग्न भाव में चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है। इसकी वजह से ये पागल टाइप इंसान रहते हैं। जो व्यक्ति इस दूषित प्रभाव में रहता है और ऐसे में राहु और चंद्रमा या चंद्रमा राहु की महादशा अंतरदशा आने पर परिजनों को विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक है। कारण क्या है, यदि चंद्रमा और राहु की युति लग्न भाव में बैठी है तो ये आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता है, इतनी गहरा से चल जाएगा कि वो आत्महत्या तक कर सकता है। इसलिए इसके पढ़ाई में यदि स्टूडेंट लाइफ है तो इसको बिल्कुल भी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करें, उस पर दबाव न डालें कि तेरे कम नंबर आए। यदि आप ऐसी स्थिति बनाते हैं तो ऐसे में ऐसा जातक या जाति का जो आत्महत्या चल रही है आजकल, आत्महत्या कर सकता है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, इसका उपाय अलग बताऊंगा। दूसरे नंबर पर आता है, यदि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान की हम चर्चा करते हैं तो ये आपके वाणी का भाव कहता परिवार का भाव है और इसे भोजन का भाव, जब जीव जन्म लेता है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। तो ऐसे में चंद्रमा और राहु स्थित होंगे और क्लोज रिलेशन में होंगे तो ऐसा व्यक्ति दूषित गंदा भोजन कर सकता है। जैसे उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है व्यक्ति भी गलत सोसाइटी के कारण यदि उस पर कंट्रोल नहीं किया, बचपन से संस्कार उसके अच्छे नहीं डाले, ये संस्कार का भाव भी कहलाता है। तो हमारा दायित्व क्या रहता है, यदि किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में दूसरे स्थान पर राहु और चंद्रमा स्थित हो तो उसमें उसको संस्कारित बनाना अनिवार्य है। यदि आप संस्कारित नहीं बनाएंगे तो ऐसे में हो सकता है कि वो जब बड़ा होगा तो राहु का काम है धुआं फैलाना, तो सबसे पहले वो फूंक मारने का यानी कि धूम्रपान करने की गलत संगति भी आ जाएगा। फिर दूसरा है जर्दा खाना, तंबाकू खाना, ये तो है सही, लेकिन उससे ये क्या तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे में राहु और चंद्रमा की युति के कारण दूसरे स्थान पर इसके भोजन को दूषित कर सकता है। यदि गलत संगत में पड़ गया तो ऐसा व्यक्ति गलत सोसाइटी में बैठ जाएगा और वो तामसी भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन यानी कि मांस बदिरा तंबाकू, तो वो साधारण सी बात है, ऐसे दुर्गंध भोजन करेगा जिससे हमें घृणा होगी, तो दूसरे स्थान पर इसका यह प्रभाव माना गया है। तीसरे स्थान पर राहु और चंद्रमा की युति होगी तो ऐसे में ऐसा जातक के साहस में बहुत ही कमजोरी होती है। वो कोई यात्रा पर जाता है तो अचानक उसकी यात्रा पर घबराहट होती है और यदि वो अकेला शुरू शुरू में निकला और लंबी यात्रा पर चला गया तो अज्ञात भय उसको सताता रहेगा, उसके इतनी परेशानी आएगी कि वो उसकी साथ कोई घटना हो सकती है, उसकी जेब कट सकती है या फिर उसके साथ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। इसलिए इसका प्रभाव यहाँ तक पड़ता है। अब यदि यही चंद्रग्रहण यानी कि राहु और चंद्रमा की स्थिति यदि चतुर्थ स्थान पर स्थित हो तो चतुर्थ स्थान पर ये आपके मन की सुख शांति, घर पे सुख शांति को भंग कर सकता है, परिवार वालों से आए दिन लड़ाई झगड़ा कर सकता है और इसको चल अचल संपत्ति में भी बाधा आ सकती है। और इसके बाद में यदि यहाँ पर चंद्रमा मजबूत अवस्था में है और राहु और चंद्रमा की दूरी ज़्यादा है तो ऐसे में चंद्र ग्रहण दोष लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखने है। चंद्र ग्रहण दोष नहीं होगा तो ऐसे में चंद्रमा जो है वो क्या करेगा,
चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली हो जाता है, दिग्बली होने के कारण चतुर्थ स्थान पर उसको जो जनता का सपोर्ट मिलेगा, समाज का जो सपोर्ट मिलेगा, उससे वह नई नई ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके चंद्रमा और राहु की युति चतुर्थ स्थान पर हो, और यदि वो ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में मनन करे, उसका काम क्या है, राहु का काम दूर दूर तक फैलाना, तो यदि वो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करेगा या फिर डिजाइनर बन जाए या फिर जो कहे वो टेक्निकल माइंड का व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर मंगल भी हो या मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति टेक्निकल माइंड तो होगा और आर्किटेक्टर जो होता है वो तब बन सकता है, डिजाइनर बन सकता है, और उसमें बहुत अच्छी उसको सफलता मिल सकती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके राहु चंद्रमा हो और दूर अंशात्मक दूरी हो, तो और उस पर शनि का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे तो राजनीति में जाएगा, तो उससे जनता का उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। तो यह है राहु और चंद्रमा, यानी कि चंद्रग्रहण दोष ऐसे नहीं बल्कि शुभ परिणाम भी देता है, वो मैंने बताया आपको चतुर्थ स्थान पर। ये चतुर्थ स्थान पर यदि राहु और चंद्रमा की युति अत्यंत नजदीक हो, यानी बहुत ही क्लोज रिलेशन, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर पर रहकर मानसिक पीड़ा से पीड़ित होकर, यदि उसको परिजन पीड़ित करे या ना करे, लेकिन उस पर इतना दुष्प्रभाव हो सकता है कि इसके राहु या चंद्रमा की अंतर्दशा में अपनी माँ के कारण हल्का सा भी वाद विवाद हो गया, टेंशन हो गई, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। और ये जो है प्रारंभिक शिक्षा काल में भी इसको पढ़ाई में बाधा आ सकती है। अब आता है पंचम स्थान। पंचम स्थान यानी कि राहु और चंद्रमा यदि दूषित अवस्था में होंगे, तो ऐसा व्यक्ति के पढ़ाई में 12वीं के बाद में जो पढ़ाई करता है तो उसकी बाधा आती है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, यदि राहु और चंद्रमा दूषित नहीं हो और इनका अंशात्मक दूरी थोड़ी ज़्यादा हो, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति को आधुनिक सब्जेक्ट का अध्ययन करे तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। वो नेटवर्किंग का से संबंधित यदि शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिलेगी, या फिर वो विदेशी भाषा या वह शनि का संबंध होना जरूरी है। यदि विदेशी भाषा या विद से संबंधित कोई कार्य करेगा तो उसको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा और राहु अत्यंत नजदीक आ जाए, अंशात्मक दूरी कम रहे, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम रोग के जाल में फंस सकता है, और प्रेम रोग के जाल में फंसने के कारण उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर यदि राहु और चंद्रमा पीड़ित हो और उस पर किसी नेगेटिव प्रभाव यानी शनि का प्रभाव इस पर आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम रोग में फंसकर कुछ षड्यंत्र पर फंस सकता है, और यहाँ तक कि उसके कुछ धोखा भी हो सकता है। इसलिए इसमें अत्यंत बहुत ही सावधानी जरूरी है। अब आता है राहु और चंद्रमा का छठे स्थान पर स्थित होना। राहु और चंद्रमा यदि छठे स्थान पर स्थित हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता हो सकता है, और लेकिन राहु और चंद्रमा के नजदीक आने पर उसका काम है फैलाना। यदि इसके एक शत्रु ज्यादा हो गए तो कितने ही शत्रु हो जाएंगे, और शत्रुओं से अज्ञात भाई उसको बना रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा और राहु की युति के कारण उसके ननिहाल पक्ष में यदि वो संबंध बनाना चाहे तो वहाँ पे भी खराब हो सकता है। और यदि यहाँ पर ननिहाल पक्ष की हम बात कर रहे हैं, राहु और चंद्रमा क्लोज रिलेशन में हो, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। जब ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो उसके ननिहाल पक्ष में भी थोड़ा गलत असर पड़ सकता है, तो उसकी प्रभाव ये होगा उसके ननिहाल पक्ष में विकास जो गति है वो हो सकते हैं कुछ समय के लिए बाधित हो जाए। तो आज हमने राहु और चंद्रमा की युति के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसका हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर वापस
अगले वीडियो में सातवें स्थान से लेकर 12वें स्थान तक की हम चर्चा करेंगे। आज तक इतना ही। लग्न से छठे भाव तक के जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे राहु और चंद्रमा के अन्य विषय पर, यानी अन्य भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सबको जय श्री कृष्णा। आपसे एक निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आप यदि लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें।